नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज टाइम स्टूडियो में और मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। प्रदेश में भजनलाल सरकार पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की कई बड़ी योजनाएं और कई बड़े फैसले बदलने की तैयारी में हैं। गहलोत सरकार के दौरान जयपुर, जोधपुर और कोटा शहर में बनाए गए दो दो नगर निगम पर भजनलाल सरकार बड़ा फैसला कर सकती है। भजनलाल सरकार कई बड़े फैसले करते हुए प्रदेश में मौजूद दो दो नगर निगम को एक कर सकती है। अशोक गहलोत सरकार में बनाए गए 86 नगर निकायों का भजनलाल सरकार रिव्यू करेगी। सरकार कई नए नगर निकाय को खत्म कर सकती है। जयपुर, जोधपुर और कोटा में फिर से एक एक नगर निगम हो सकते हैं। गहलोत सरकार ने जयपुर, जोधपुर और कोटा में दो दो नगर निगम बनाए थे। यूडीएच मंत्री खर्रा ने कहा कि दो दो नगर निकाय बनने के बाद सरकार को कई नवगठित नगर निकायों पर शिकायतें मिली हैं। मंत्री खर्रा के मुताबिक कांग्रेस सरकार ने 86 नए नगर निकाय बनाए थे और अब इसका रिव्यू किया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दी जाएगी। जयपुर, कोटा और जोधपुर में बनाए गए नगर निगम पर सरकार बड़ा फैसला कर सकती है। सरकार स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आम जनता से चर्चा करने के बाद आगे का फैसला लेगी। इतना ही नहीं, मंत्री खर्रा ने वार्डो के परिसीमन वापस करवाने के भी संकेत दिए हैं। मंत्री खर्रा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पालिकाओं का परिसीमन किया जिसमें कई खामियां हैं। उस समय में इकट्ठा किए गए वार्डो में जनसंख्या या मतदाताओं की संख्या में करीब 300% का अंतर है। कांग्रेस सरकार ने 19 नए जिले बनाए थे। भाजपा सरकार ने बनाए गए नए जिलों की समीक्षा के लिए एक कमेटी गठित की है। 4 मंत्रियों की कमेटी बनाई गई है। एक रिटायर्ड आईएएस के नेतृत्व में सब कमेटी बनाई है जो सभी नए जिलों के भौगोलिक, आर्थिक सहित विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करेगी। एक रिपोर्ट बनाकर सरकार को दी जाएगी। इसके बाद ही भजनलाल सरकार फैसला करेगी कि नए जिले रहेंगे या फिर खत्म होंगे। भजनलाल सरकार सिर्फ नगर निगम या नए जिलों में ही बदलाव नहीं करने वाली है, बल्कि गहलोत सरकार जितनी भी योजनाएं लेकर आई थी, भजनलाल सरकार उनमें भी बदलाव करने की कोशिश कर रही है। अब देखना ये है कि सरकार के इन फैसलों से जनता को संतुष्टि मिल पाती है या फिर नहीं। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।